खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देख सकते हैं हमें जॉन डियर शोरूम पे, और ये खड़ा है हमारा 5210 और इसकी होने वाली है सर्विसिंग। तो चलो चलते हैं और फिर देखते हैं इसकी फ़र्स्ट सर्विस है और क्या क्या होगा, हम सब नोट करेंगे इस वीडियो में और आपको दिखाएंगे इसकी सर्विस के बारे में। इसका बोनेट ओपन है, एक तसले में ऑयल, ये वाला आपको दिख रहा है, इसमें ऑयल गिरेगा, और ये दूसरा तसला, इसमें डीजल। चलो तो फिर आप नट खोलते हैं अपन। तो ये ऑयल का नट खोल रहे हैं, ये इसको ढीला करते हैं, ये हो गया ढीला। हम डीजल फिल्टर खोलेंगे और पहले नटों को खोल लिया और एक्सरे देते हैं, तो इनके लिए थोड़ा हाथ मार के ऐसे इस तरह से ढीला कर लिया जाता है और नट खोल के बाहर निकालेंगे। और दूसरा इसी के साथ भी ऐसा ही करना है, देख सकते हैं थोड़ा खोला और हाथ धक्का मारा, ये बाहर। ये है ऑयल फिल्टर, ये ऑयल फिल्टर है, ब्लैक कलर। और ये हम नट खोलेंगे ऑयल का, ऑयल चेंबर का नट खोल रहे हैं, हाथ में पन्नी लगाए हुए है, बंदा खचने से डर रहा है शायद। ये देख सकते हैं ऑयल है, देख सकते हैं ये ऑयल निकले आया, गए नहीं है घर हम। ये ऑयल देख सकते हैं आप, ये हो गया खाली, मामूली से थोड़ा थोड़ा वो टपकते रहता है जब तक दूसरा काम करते हैं। ये है ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर खोलना है हमको, ये खुल रहा है देख सकते हैं, वीडियो बना रहा है। निकल गया है और इसमें से ऑयल निकलेगा, ये देखिए ऑयल निकल गया है। खाली कर दिया है, ये गेज है गियर बॉक्स ऑयल का, ये ऑयल फिल्टर देख सकते हैं, कवर ये डीजल फिल्टर, ये अपने डीजल फिल्टर। तो चलो अपन पहले डीजल फिल्टर को जो उसकी वो है उसको लिए साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, साफ़ करने के बाद इसमें अपन फिल्टर लगाएंगे।
डीजल साफ कर लिए अच्छे से। ये निकाला अपन ने इसमें से पहला फिल्टर, ये इसमें करा फिक्स। और ये दूसरा फिल्टर, देख सकते हैं अब इसके अंदर रबड़ लगी रह गई थी, फंसी हुई रहती है, तो उसके लिए निकालें आराम से। देख सकते हैं थोड़ा ठंडा भी थोड़ा हाथ से लगता हूँ आगे वो निकल आई बाहर। इसी तरह से इस तरफ निकालेंगे, इसी तरह से बिल्कुल आराम से फिट हो जाती है दोनों में। दूरी चाहिए पड़ती। और अब फिल्टर करेंगे, फिल्टर पूरा टाइट नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी पहले रहने देंगे क्या अपन को, इसमें ऑयल भरना, ऑयल आई एम सॉरी डीजल अपन भरना है इसमें। ये देखो थोड़े ढीले छोड़ के पंप मारेंगे तो डीजल उसमें जाएगा फिल्टर में, और जब ये ओवर होकर फेंकने लगे उसमें से फेंक रहेगा तो फिर अपन उसके लिए टाइट करेंगे। दूसरा देख सकते हैं इसमें से भी डीजल निकलने लगा है, और इसको और अच्छे से एयर निकाल देंगे। ये देख सकते हैं अच्छे से डीजल निकल गया, यानी पूरी एयर निकल गया, क्योंकि एयर चालू होने में दिक्कत नहीं करेगा। फिर ऐसे कसते हैं, ये ज़्यादा टाइट नहीं करना है, तो अपने यहाँ से मामूली है तो उस तरीके से टाइट करें, टाइट नहीं करें ऐसा आपको ज़्यादा खींचना नहीं है। पंप मार के उसकी एयर मेयर वगैरह जो है सारी क्लियर कर दें आराम से, जब एयर मेयर वगैरह ना ले ले। ऑयल चैम्बर का नट कसेंगे, ये इंजन ऑयल है, कितने लीटर है ऑयल डालें 8.5। ये अपनी टंकी सॉरी बाल्टी, ये 8.5 लीटर की, और चुंडी की पवंदस चलता है 8.5 लीटर। ये इसका डालने का इधर है, तो एक जन इसको पकड़ेगा तो फिर इसमें ऑयल डालेगा।
ही डल रहा है अपना पूरा वाइक से फ्री है अपन। अब इसका हाइड हो गया है और ये कूलेंट थोड़ा कम हो गया था, ये कूलेंट डल रहा है। ये टायर नीचे जो लगा रहता है इसको खोलने के लिए जुगाड़ है इनके पास, ये रस्सी से उस पर एंटर लगा के दो लोग खींचते हैं और खुल जाता है। इसी तरीके से वो कर फिल्टर है, ये देख सकते हैं, ये तो बंट लगा दिया है इसका, ये एक ऐसा फिल्टर है, ये देखिए खींचते हैं खुल गया, देख सकते हैं पूरा खुल गया है। इसी तरीके से एक दो बार करते हैं पूरा तरीके से खुल गया, देख सकते हैं आप बिल्कुल सफ़ेद। ये कब से लगा ली है? कोई काला नहीं, बिल्कुल सफ़ेद। यानी आप उसके गैस से देखो, बार बार देखने में आपको पता चलेगा, पता नहीं सकता हाइड्रोलिक इस कदर सफ़ेद। ये देख सकते हैं, ये पुराना वाला जी लगेगा आप, ये नया है जो लग रहा है, ये देख सकते हैं आप इसी तरीके से और अपना ट्रैक्टर आ गया बाहर। ये उसका बिल, जीवों क्या है कौन है? अच्छा अपडेट हो गया, भी पैसे मिल गई है। अब इसके बाद में वॉश कर लगाया।